मैं जा रही हूँ दिल्ली क्योंकि मेरी दोस्त की शादी है, बट उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो मेरा बुढ़ापे का निशानी है ना, मतलब मेरे सफ़ेद बाल, मुझे उन्हें छुपाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ HSL लेआउट बिकॉज आई हैव टू गेट माई हेयर कलर्ड। वैसे आपको अभी नॉर्मली ऐसे नहीं दिखेगा बट अंदर अंदर में ना आई हैव अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर। और ये मुझे अभी अभी नहीं है, मुझे क्लास 6 से है। मतलब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ऐसी, एंड आई एम वन अमॉन्ग दोज जिसको व्हाइट हेयर का प्रॉब्लम है। मैंने अभी रिसेंटली अपना हेयर कलर कराया था तो आपको कुछ कुछ स्ट्रैंड्स दिख रहे होंगे ब्राउन में, बट द रेस्ट आई हैव टू गेट इट कलर टू माई नॉर्मल हेयर कलर बिकॉज ये इतने ज़्यादा दिखने लग गए ना कि अब सही में बुढ़ी लगने लग गई हूँ। ऑटो बुक कर लो सुबह सुबह बैंगलोर में, तो मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना बिकॉज मैं अभी ना कम से कम आधी पौन घंटा से ट्राई कर रही थी, मुझे एक ऑटो नहीं मिला और वो अब अपने आप ही गाड़ी में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी गाड़ी तो आ रही है, इट्स जस्ट 7 मिनट्स अवे, तो मैं सोचू नीचे उतर जाती हूँ ताकि जल्दी जाके जल्दी आए बिकॉज आई हैव टू कम होम एंड ऑल्सो पैक। मैंने अभी तक कपड़ा भी डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या लेके जाने वाली हूँ, प्लस दिल्ली जा रही हूँ तो वहाँ पे ठंड और भी होने वाली है, तो आई हैव टू सी कि कपड़े क्या लेके जाने हैं पहले। तो अभी कुछ दिन पहले मैं इसी सैलून में गई थी, ये हेयर स्पीक बोल के है, तो वहाँ से ना मुझे 500 का ऑफर मिला था, मतलब 500 का डिस्काउंट मिला था जो 30 दिसंबर, तो मैंने सोचा कि इन्हीं से करवा लेती हूँ बाल कलर क्योंकि 1500 का कुछ बिल पड़ेगा और ये 500 इसमें से रिडीम हो जाएंगे तो मेरा 500 रुपये बच जाएगा। अच्छा, अभिनीत इज एट होम बिकॉज उसको ना थोड़ा सा बुखार उखार सा हो रहा है, कल भी उसका तबीयत ठीक नहीं था, आज भी उतना ठीक नहीं है। अभी भी सुबह उठा है, ब्रेकफास्ट किया है, हम लोग थोड़ा कोर्स वोर्स अपना ख़त्म कर रहे थे जो अभी हम एडिटिंग सीख रहे हैं, एंड उसके बाद अभी उसने सर दर्द की दवाई ली है एंड ही इज़ गॉन बैक टू स्लीप। आई होप तबीयत ठीक रहे बिकॉज मैं भी जा रही हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता रहेगा कि यार क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। ओके, आई एम बैक होम। हो गया वैसे शाम कुछ 7-7:30 बज रहा है, मैंने अभी तक कोई पैकिंग नहीं किया। मेरा शक्ल देख के आपको समझ में आ रहा होगा मैं कुछ कुछ अपना स्किन का ख्याल भी रखने की कोशिश करती यार, मतलब आई बीन ट्राइंग हार्ड टू चेंज माई रूटीन एंड एवरीथिंग, बट जो मेरे पिंपल्स हैं वो बीच बीच में कहीं ना कहीं से आ ही जा रहे हैं। आई ऑल्सो हैड अ वीडियो टू शूट एंड टू एडिट, वो मेरा बस अभी खत्म हुआ है एंड आई हैव टू नाउ पैक। एंड ऑल्सो मेरा फ्लाइट अभी रात में ही है, मतलब 2 बजे के करीब ही है, तो एज इन 5 बजे का है बट मेरे को 2 बजे घर से निकलना पड़ेगा। तो राइट नाउ आई हैव टू डू अ लिटिल स्किन केयर बिकॉज मैं शादी के घर में ऐसा गंदा सा मुँह लेके नहीं जाना चाहती हूँ। अभी तो मैंने वो हल्दी और सरसों का जो एक मिक्सा नहीं बताया था आपको मैंने, मतलब गरम सरसों में हल्दी डाल के, तो मैंने अपने सारे पिंपल्स में लगाया, काफ़ी देर हो गया। तो अभी आई एम गोइंग टू वॉश माय फेस, बेसन का लेप वेप कुछ लगाती हूँ फेस पे बिकॉज बहुत ही स्किन जो है फटफटी सी हो रही है, पिंपल्स सबसे ज़्यादा मेन, बाकी सारा स्किन क्लियर है बट द पिंपल्स आर समथिंग विच कीप ऑन कमिंग सो ऑफन दैट आई थिंक, क्योंकि मैंने डॉक्टर को बोला था कि मैं दवाइयाँ पे शिफ्ट नहीं करना चाहती बिकॉज वो थोड़ा सा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डॉक्टर ने भी बोला अगर तुम छोड़ दोगी तो तुम्हारा ये सारा साइकिल वापस से शुरू हो जाएगा, तो दैट वॉज वन रीज़न कि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं दवाई लूँ, बट आई थिंक कुछ समय के लिए शायद लेना चाहिए, देखते हैं अभी उसके बारे में सोचेंगे। अभी भी आई एम स्टिल कन्फ्यूज, आई डोंट वॉन्ट टू हिट द मेडिकेशन राइट नाउ, बट एनी वेज सामान निकालते पैक करने के लिए बिकॉज अभी तक मैंने ये भी डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। मुझे अभी वैष्णवी को फ़ोन करके पूछना है कि भाई मैं क्या क्या लेके आऊँ, आई हैव नो आइडिया। ओके, टाइम टू पैक माई बैग्स। वैसे तो मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, बट ये एक घाघरा मैंने निकाला है पहनने के लिए, ये एक क्या बोलते हैं सो नायरा कट का सलवार सूट जैसा है, ये एक साड़ी है और यहाँ पे इसके अंदर एक गाउन है। मतलब 4 अलग अलग तरीके के चीज़ मैं लेके जा रही हूँ जिसमें से 2 मुझे ऑल्टर करवाने हैं, ठीक है। और साड़ी का भी मैं श्योर नहीं हूँ बिकॉज ये जब मैं पतली थी तब का मेरा सिलाया हुआ, अभी मुझे आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, तो ये सब वहाँ जाके ही देखा जाएगा क्योंकि लास्ट मिनट ऑल्टरेशन दिल्ली में तो जल्दी से हो जाएगा, यहाँ का मुझे एक्चुअली अभी तक कोई आइडिया नहीं था। तो लेट्स पैक दिस एंड उसके बाद आई हैव टू पैक माई हील्स एंड देन माई मेकअप। मुझे लग रहा है शायद मुझे एक और बैग लेना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है सब फिट नहीं आए, बट ऐसे तो कपड़े हल्के हल्के ही हैं, फिट आ भी जाना चाहिए, बट एनीथिंग कैन हैपन। भगवान प्लीज इसी में अटक जाओ, ज्यादा झगड़ा मत लो बस। इसमें आ गया हील्स, एक ही को मैं सब में निकाल दूंगी और जो भी पहना इसी में निकाल देंगे क्योंकि अलग अलग लेने का मतलब नहीं है, खाम का खाली बैग बढ़ेगा, मेरे को ऐसा मन नहीं है कुछ एक्स्ट्रा लेने का। और क्रॉक्स, कि क्रॉक्स के बिना ज़िंदगी नहीं कट पाती है हमारी, कहीं आने जाने को चप्पल की ज़रूरत पड़ गई तो ये हमें भारी पड़ जाएगा, इसलिए हम क्रॉक्स ले ले रहे हैं। और इसी के साथ मुझे समझ में आ गया है कि एक बैग और ज़रूरत पड़ेगी और 2 बैग करने का मतलब नहीं है, तो इससे स्विच होके
उस बैग में अब लगाया जाएगा सारा सामान। एक तो आईफोन कोई गत का नहीं है, पता नहीं इतना ब्लर क्यों होता है। मेरे को लग रहा है ना कि मेरा आईफोन ठीक हुआ ही नहीं है, मुझे इसको ना रिप्लेस ही करना पड़ेगा। मतलब इस बार तो इतना ज़्यादा कटा है ना आईफोन से कि सारे पैसे भी लग गए, और देखो ब्लर देख रहे हो, साला मेरा पुराना फ़ोन इतना ब्लर नहीं होता था जितना ये होता है। इसमें भरा जाएगा सारा मेकअप। अब ये दिक्कत है कि मेकअप कौन सा लेना है, कहे कि इतना हम फैला के रखे ना, इसमें से हमको ढूंढना पड़ेगा किसकी चीज़ की ज़रूरत है किसकी चीज़ की नहीं है। बेसिक से शुरू करेंगे, टोनर, क्रीम, फाउंडेशन, मेरा कंसीलर, प्राइमर, स्प्रे, लूज पाउडर, ये ले लो। पैकिंग हो गई मेरी ख़त्म। अभी मेरे को उठना है 2:45 को। इफ 25 का वैसे बोर्डिंग है, बट यहाँ से पहुँचने में समय लग जाएगा, तो मोटा इसलिए कि मैं तुमको सुबह छोड़ दूंगा। वैसे तो मैं मना कर रहा हूँ कि सो जाना आराम से, बट बोला कि नहीं छोड़ के आ जाएंगे, कल वो ऑफिस जाने वाला है नहीं, तो फिर ईजी रहेगा। तो अभी सोते हैं, बिकॉज टाइम तो है नहीं, 11 अभी बज गए, तो 2-3 घंटे में उठना है। मैं फ़ोन दे रही हूँ अवनीत के पास ताकि फ़ोन चार्ज हो जाए। चलो ऑलमोस्ट रेडी, अभी पहुँच गया, नीचे उतरते हैं। जिस दिन मैंने ये बांधना सीख लेना है ना, उस दिन बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। सही में एक चीज जो मुझे कभी नहीं आती ढंग से, ये बज रहा है 3:30। टाइम दिखा रहा हमें एयरपोर्ट पहुंचने में 55 मिनट्स, और ये रही हमारी फ्लाइट जो कि है 5:55 की। 5:55 इसकी डिपार्चर है, 5:25 को बोर्डिंग गेट्स क्लोज हो जाएंगे, एज इन सॉरी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो मेरे पास तो एक बड़ा लगेज है, उसको मुझे चेक इन करवाना है, एंड मोटा आ रहा है मेरे को ड्रॉप करने के लिए। प्लान वैसे ये था कि मैं पहले सोच रहा था कि मैं खुद ही चला जाऊंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली फ्लाइट हम लोग इसीलिए बुक करते हैं, वो थोड़ी सी हमें सस्ती भी पड़ जाती है। बट इस बार अभिनीत वॉज लाइक कि नहीं मैं चलूंगा ड्रॉप करने के लिए, और इस चक्कर में हम दोनों ही नहीं सोए। मैं तो फिर भी सोया हूँ 1 घंटे के टाइप, मैं 1-1.5 घंटा सोया हूँ, मोटा सिर्फ आधा घंटा सोया है, क्योंकि उसको नींद ही नहीं आ रही थी ये सोचते सोचते कि हमें सुबह उठना है, और इस चक्कर में ही डिड नॉट स्लीप ओनली एट ऑल। अभी बस थोड़ा देर सोया ही था कि अलार्म बजने लग गया, और जैसे ही बजा ये फिर उठ गया कि नहीं नहीं चलो हम ही जाएंगे ड्रॉप करने के लिए। अब तुमको वैसे क्या चढ़ा था आज? कुछ नहीं, रात है ना, ड्रॉप तो कर दे रहे, पिकअप नहीं करेंगे। नहीं मोटा, ओ तो तुम हमको ड्रॉप इसलिए कर रहे हो ताकि तुम हमको पिकअप करने नहीं आओ। और एयरपोर्ट कुछ 10 मिनट पहले पहुंचते हुए, मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रहेगा कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि हमको भूख लगने लग गई अचानक से, एंड टाइम टू से बाय बाय। वैसे 2 दिन बाद इनका हैप्पी बर्थडे टू यू भी है, तो जो जो इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं इनको जाके बॉम्बार्ड कर देना 8 तारीख को हैप्पी बर्थडे विश करके। अगर आपके पास इनका इंस्टाग्राम आईडी नहीं है तो हम यहाँ लिंक पे डाल देंगे। थोड़ा आगे ही होता, अच्छा ठीक है चलो थैंक्स।